ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय में बॉलीवुड गाने टिप टिप बरसा पानी पर डांस का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। साइबर सेल ने जांच की तो पता लगा कि वीडियो इंस्टाग्राम पर कामिनी पारासर नाम से बनी आईडी से अपलोड किया गया है। साइबर सेल ने कामिनी पारासर को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा है, उसे 7 दिन में ऑफिस आकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। वीडियो को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अगर कलेक्ट्रेट से शिकायत मिलती है तो युवती पर धारा 188 के तहत भी एक्शन लिया जा सकता है। बता दें कि शुक्रवार को एक युवती ने डांस का एक वीडियो बनाया था और युवती बॉलीवुड फिल्म मोहरा के गाने टिप टिप बरसा पानी पर डांस करते हुए इस गाने में दिख रही थी। ये वीडियो कलेक्ट्रेट कैंपस में शूट किया गया। वीडियो कब का है और डांस कर रही युवती कौन है इसके बारे में पता काफ़ी देर बाद लगा। वीडियो में दिख रही लड़की काली साड़ी में है और बैकग्राउंड में कलेक्ट्रेट जैसी दिखने वाली बिल्डिंग नज़र आ रही थी। 1 मिनट 8 सेकंड के वीडियो में एक युवती हिंदी फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी पर डांस करती हुई नज़र आई। ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में एक टिकर लगा है जिस पर शहर के ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिखे हैं, जिनमें फोर्ट, बेजाताल, इटालियन गार्डन और इनके आगे क्रॉस लगा है। इसके बाद टिकर पर लिखा है सीधा कलेक्ट्रेट। जानकार इस टिकर के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि टिकर का आशय है कि फोर्ट, बेजाताल और इटालियन गार्डन नहीं बल्कि अब सीधे कलेक्ट्रेट में डांस कीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि इस वीडियो के जरिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट को ऐसे शूट किए जाने का सबसे उपयुक्त स्थान बताया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के सामने आने के बाद ग्वालियर के युवा समाजसेवी आकाश बरुआ ने ग्वालियर SDM को एक शिकायती आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने युवती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।